नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में पर्यटन को लेकर। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य सरकार के बैटलैंड्स को पर्यटन स्थल बनाने की योजना पर काम कर रही है। इसके लिए प्रदेश में बैटलैंड को विकसित करेगी। बताया जा रहा है कि पानी प्रबंधन के बेहतरीन स्रोत के रूप में भी चिन्हित किया गया है। इससे बेहतर प्रबंधन के लिए जिलों के जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में समिति का गठन कर विकसित किए जा सकने वाले बैटलैंड की पहचान करके उसकी जो है रिपोर्ट तैयार करने की बात जो है वो जिलाधिकारियों को दी गई है। इस समिति में संबंधित जिलों के DFO मेंबर, सेक्रेटरी और अन्य विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी सदस्य होंगे। वहीं समिति ने अपना काम भी शुरू कर दिया है। फिलहाल पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को 100 हेक्टेयर से बड़े 28 बैटलैंड की जानकारी दी गई है। इन सभी का हेल्थ कार्ड बन गया है। इसके साथ साथ 100 हेक्टेयर से बड़े 36 बैटलैंड का चयन भी आगे की प्रक्रिया में किया जा रहा है। मीडिया से चल रही खबरों की माने तो यह निर्देश पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने दिया है। रिपोर्ट के आधार पर मैनेजमेंट प्लान बनेगा। जानकारी के अनुसार राज्य में करीब 2.25 हेक्टेयर से बड़े करीब 4000 बैटलैंड की पहचान की गई है। वहीं 100 हेक्टेयर से बड़े करीब 133 बैटलैंड हैं। यह बैटलैंड किस विभाग या फिर संस्था के नियंत्रण या फिर अधिकार क्षेत्र में है, इन सब का पता लगाया जाएगा। अभी 28 का हेल्थ कार्ड बन गया है। अगले चरण में 36 बैटलैंड की पहचान कर उसका भी हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा। बैटलैंड के माध्यम से आज भी हमारे पास भरपूर जैव विविधता बची है। इसको संरक्षित रखने की आवश्यकता है। आज जब पारिस्थितिकी तंत्र हर तरह से किसी न किसी माननीय अतिक्रमण का शिकार है, तो ऐसे में इन बैटलैंड को बचाने का मतलब है कि आने वाले समय को बचाना। जितनी भी वर्षा जनित नदियाँ, कुएं और छोटे तालाब हैं, वो सभी बैटलैंड से सिंचित होते हैं। अतः केंद्र व राज्य सरकारों को उन्हें बचाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाने की ज़रूरत है। एक तरह से कहें कि बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार लगातार कई अलग अलग योजनाओं पर काम कर रही है। साथ साथ जिलों के जो प्रमुख स्थल हैं या फिर ऐतिहासिक हों, सांस्कृतिक हो, उन्हें जो है वह धरोहर के रूप में मानती है और उसको जो है विकसित करने का काम कर रही है, ताकि जो है पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। हम दो ऐसे जिले को देखें जहां पे पर्यटन को लेकर सबसे ज़्यादा विकसित हुआ, एक नालंदा और दूसरा जो है पूर्वी चंपारण को देख लें, जहां पे एक तरह से कह लें कि दोनों ऐसे जिले हैं जहाँ पे पर्यटन की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। खासकर अगर हम सासाराम की बात करें तो तीन ऐसे जिले हैं जहाँ पे पर्यटन को लेकर जो है बिहार के लोग आने जाना जो है वो खासा पसंद करते हैं। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहे बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।